प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण को समझने का प्रयास करेंगे। हमें अनुसंधान के चरण को या उसकी प्रक्रिया को, उसके स्टेप को, उसके प्रोसेस को समझने के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया अथवा चरण वह महत्वपूर्ण कार्य है जिनके आधार पर किसी भी अनुसंधान को प्रारंभ करके पूर्ण किया जाता है। यदि इन प्रक्रिया अथवा इन चरणों को सावधानी पूर्वक नहीं पूरा किया जाए अथवा किसी चरण को का क्रम बदल दिया जाए तो अनुसंधान से जो लाभ हमें मिलना होता है या अनुसंधान से जिस उद्देश्य को हम पूर्ण करना चाहते हैं उसका पूर्ण होना संभव नहीं होता है। इसलिए किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में उसके चरण का ध्यान रखना और उन्हें उसी अनुरूप पूर्ण करना बेहद आवश्यक माना जाता है। सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण है समस्या अथवा विषय का चुनाव। कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को प्रारंभ करने से पूर्व किसी एक समस्या को चुनने के लिए अपना मन बनाता है जिसका उसे अध्ययन करना हो, तो सामाजिक अनुसंधान के प्रथम चरण में या चरण के प्रथम बिंदु में हम सबसे पहले समस्या या विषय का चुनाव करते हैं। इसको चुनते समय हमें यह ध्यान में रखना होता है कि क्या ये जिस विषय को अनुसंधानकर्ता चुन रहा है उसका समाज में क्या महत्व है, क्या उसके संदर्भ में उपलब्ध तथ्य को एकत्रित करना संभव है या उस विषय का अध्ययन क्या पूरी तरह किया जाना संभव है। सामाजिक अनुसंधान के चरण के का द्वितीय चरण जो है वह है संबंधित साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब हम किसी समस्या को चुन लेते हैं तो द्वितीय चरण में या द्वितीय स्तर पर हम उस समस्या से संबंधित पूर्व अध्ययन का, पूर्व में किए गए अध्ययनों का अवलोकन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर हम समस्या के संदर्भ में पहले से लगाए गए निष्कर्षों को जानकर अपने अध्ययन को एक दृष्टि प्रदान करते हैं। इसका तीसरा जो स्टेप है या चरण है वह है इकाइयों का निर्धारण। अनुसंधान के प्रक्रिया में तीसरे नंबर पर हम अपने अध्ययन से संबंधित इकाइयों का निर्धारण करते हैं। हम उन्हें परिभाषित भी करते हैं और ये बताते हैं कि हम जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं वह क्या है। जैसे इकाइयाँ, मान लीजिए हम शिक्षित का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि हम किस तरह के शिक्षित व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, वो साक्षर है, स्नातक स्तर तक के व्यक्तियों को हम ले रहे हैं या किस तरह के व्यक्तियों को हम ले रहे हैं। इसी तरह परिवार का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हम एकल परिवार का अध्ययन कर रहे हैं अथवा संयुक्त परिवार का कर रहे हैं। तो इस तरह से इकाइयों का निर्धारण हम करते हैं। चौथी बिंदु में हम प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, प्राकल्पना अथवा हाइपोथेसिस। प्राकल्पना अथवा हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हम अनुसंधान के, जिस अनुसंधान को हम प्रारंभ हमने किया है उसके विषय में, उसके अंतिम निष्कर्ष के विषय में हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं। ये पूर्वानुमान काम चलाऊ होता है जो अध्ययन को एक दिशा देता है, इसे हम प्राकल्पना अथवा उपकल्पना अथवा हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं।
पांचवें चरण में हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि हम अपनी स्टडी को किस क्षेत्र तक सीमित करना चाहते हैं, हमारा अध्ययन किस क्षेत्र की स्टडी पर आधारित होगा। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं होता है, तो किसी चीज़ को यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि हम पूरे राजस्थान का कर रहे हैं अध्ययन, पूरे भारत का कर रहे हैं, या राजस्थान के किसी एक शहर का कर रहे हैं, किसी कस्बे का कर रहे हैं। तो अपने अध्ययन क्षेत्र को भी हमें स्पष्ट करना होता है। अगले चरण में हम सूचनादाताओं का चुनाव करते हैं कि जिस अध्ययन समस्या को हमने चुना है उस अध्ययन समस्या के विषय में प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए हम सूचनादाताओं को कौन से सूचनादाताओं से हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन करेंगे, तो उन सूचनादाताओं को भी हम चुनते हैं। उसकी भी कुछ पद्धतियां निर्धारित है जिसे हम आगे समय समय पर आपसे डिस्कस करेंगे, किंतु संक्षेप में मैं बता दूं कि निदर्शन पद्धति के माध्यम से सूचनादाताओं का चुनाव किया जाता है। अनुसंधान के अगले चरण में सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरण व विधियों का निर्धारण किया जाता है कि हम सूचनाओं के कौन कौन से स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, और प्राथमिक और द्वितीय स्रोत में भी आगे जाकर किन किन चीज़ों का सहयोग हम सूचना प्राप्त करने के लिए लेंगे, और हमारी तथ्य संकलन के उपकरण, विधियाँ, उनके विश्लेषण और वर्णन और निष्कर्ष निकालने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, या उनके वर्गीकरण के लिए भी कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार अनुसंधान का जो अगला चरण होगा वह होगा उपलब्ध उपकरणों का पूर्व परीक्षण किया जाना। जिन विधियों को हमने चुना है हम उसका पूर्व परीक्षण करेंगे, या उनका एक जिसे कहना चाहिए एक टेस्टिंग उनकी हम करेंगे कि जिन विधियों को हमने चुना है वो हमारे क्षेत्र के लिए उपयोगी है अथवा नहीं है, उनसे हम सही तथ्यों का संकलन कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। इसके अगले चरण में हम तथ्यों का अवलोकन और संकलन करेंगे। अब जब हमने इतना सब कुछ तय कर लिया तो इसके बाद तथ्यों का अवलोकन और तथ्यों का संकलन किया जाता है। जिन उत्तरदाताओं को हमने उत्तर तथ्य प्राप्त करने के लिए चुना है तथा दूसरी और भी जो द्वितीयक तथ्यों के लिए जिन अध्ययन सामग्री को हमने चुना है उनसे हम फिर तथ्यों को एकत्रित करते हैं और तथ्यों का उनसे उनका अवलोकन करके और फिर उनसे संकलन हम तथ्यों को करते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर हमारा अध्ययन आगे जाके पूर्ण होना होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इसमें अनेकों सावधानियों की अपेक्षा अध्ययन करते समय अपेक्षित है। इसी तरह तथ्यों का अगला चरण होता है, इसका अनुसंधान का अगला चरण होता है तथ्यों का संपादन करना, उनका वर्गीकरण करना और सारणीयन करना। जिन तथ्यों को हमने प्राप्त किया है उनको हम समान गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करने के लिए जो सरल तरीका होता है या जो स्पष्टता तथ्यों को प्रदान की जाती है तो उसके लिए सारणीयन इनका किया जाता है। सारणियों में जब तथ्यों को रखा जाता है समान गुणों के आधार पर तो वर्गीकृत हो जाते हैं और उनसे हम किसी भी निष्कर्ष को निकालने की स्थिति में फिर आगे बढ़ सकते हैं। अनुसंधान का अगला चरण तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन होता है। तथ्यों के वर्गीकरण के बाद तथ्य एक दिशा प्राप्त कर लेते हैं जिनसे हम किसी निष्कर्ष को निकाल सकते हैं, तो हम तथ्यों का आगे विश्लेषण करते हैं, उनका विवेचन करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर तथ्यों हमारे अध्ययन को, जिस समस्या को हमने चुना है उसके विषय में तथ्य हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। और अनुसंधान के अंतिम चरण में हम तथ्यों से एक सामान्यीकरण या एक निष्कर्ष को निकालते हैं, हम नियमों का प्रतिपादन अंत में करते हैं। तो कुल मिला के अंत में हम जो तथ्य हमें जो जानकारी दे रहे हैं वर्गीकरण और विश्लेषण के बाद, तो उससे हम एक उनका सामान्यीकरण करते हैं या एक निष्कर्ष को निकालते हैं और हमारे अध्ययन को अंतिम रूप प्रदान करते हैं कि जिस चीज़ का हमने, जिस समस्या का हमने अध्ययन किया है वे समस्या आखिर हमें क्या अंतिम रूप से इसके विषय में हमने निष्कर्ष को प्राप्त किया है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधान का चरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक और मैं बात आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि सभी अनुसंधान में मोटे मोटे बिंदुओं को तो समान रूप से एक समान प्रक्रिया के तहत निभाया जाता है, किंतु अध्ययन के विषय और अलग अलग विज्ञानों में, जैसे मान लीजिए समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, तो इनमें अपने अपनी आवश्यकता के हिसाब से अनुसंधान के चरण को कम या ज़्यादा किया जाता है, किंतु मूल रूप से अनुसंधान की जो एक प्रक्रिया है उसको समान रूप से ही इसमें निभाया जाता है। इसलिए अनुसंधान के चरण पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं, एक निष्पक्षता लिए हुए होते हैं, एक पूर्ण निर्धारित क्रम लिए हुए होते हैं, जिनको उसी क्रम में हमें उनका पालन करना होता है ताकि ठीक से निष्कर्ष को निकाले जा सके और अनुसंधान एक ठीक दिशा को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप घर पर एक बार इस YouTube के इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पुस्तक को खोल के इस विषय को, इस अध्याय को, इस टॉपिक को दोबारा से ढंग से पढ़ें, फिर इस अनुसंधान के चरण को आप एक होमवर्क के रूप में अपने लिखें और उसको आगे समझने की कोशिश करें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग WhatsApp ग्रुप पे अपने सवाल को रख सकते हैं। थैंक यू।